देखो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? संरचना। डाई बोरेन की संरचना, डाई बोरेन, डाई बोरेन बी टू एच सिक्स की संरचना मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में हर साल पूछा जाता है डाई बोरेन की संरचना। हम लोग जब पढ़ते थे हम लोग को भी आता था डाई बोरेन की संरचना, डाई बोरेन की संरचना। क्लियर? 2016 में 11th क्लास पास किया मैंने, है ना, डाई बोरेन की संरचना। उस समय भी हमको आया था, आज से तुम्हारे 4 साल पहले 2016 का पेपर देखना, है ना, उसके आसपास भी आता है डाई बोरेन की संरचना। अब डाई बोरेन की संरचना कैसी होती है? डाई बोरेन की सेतु संरचना होती है। कैसी होती है? डाई बोरेन सेतु संरचना रखता है। कौन सी संरचना रखता है? सेतु संरचना रखता है। डाई बोरेन क्या रखता है? सेतु संरचना रखता है ना। अभी विस्तार में समझेंगे हम, है ना। एक रफ कॉपी दिखाओ, वाइट पेज है ना और काला पेन है, लाया किसी ने? संरचना बना के दिखाऊंगा मैं आप लोग को ना, और वैसे बिल्कुल बनाना है डाई बोरेन की संरचना। देखो, संरचना एवं बंध के विचार से बोरेन, डाई बोरेन बहुत ही रोचक यौगिक है। संरचना और बंध के विचार से जो बोरेन होता है ना, डाई बोरेन, बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना यौगिक है। डाई बोरेन की संरचना न्यून इलेक्ट्रॉन होती है। इसकी संरचना न्यून इलेक्ट्रॉन होती है। आप लोग को पता है कि भैया दो बंध बनाने, एक बंध बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? एक बंध बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? कैसे होगा रे? दो इलेक्ट्रॉन लगेंगे ना, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बंध बना लेते हैं ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के बना लेंगे, एक बंध बना लेते हैं ना। तो वो वाली बात है, गधों को दो ज्ञान गधे लाएगा, है ना, है ना। इलेक्ट्रॉन न्यून होगा मतलब इसमें इसमें इस संरचना में क्या पड़ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाते हैं, है ना, क्या पड़ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या पड़ जाते हैं? कम। इसलिए हम इसको, अब इलेक्ट्रॉन कैसे कम पड़ते हैं मैं आपको वो बताऊंगा। इसलिए संरचना को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाई बोरेन की संरचना न्यून इलेक्ट्रॉन होती है। कैसी होती है? न्यून इलेक्ट्रॉन होती है। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन से कितने बंध बनेंगे? 6 बंध बनेंगे। एक बंध को बनाने में लगते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 बंध को बनाने में कितने लग जाएंगे? 12। तो 12 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन बंध 8 बनते हैं। जबकि 8 बंध बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 × 2 = 16। एक बंध को जब 2 इलेक्ट्रॉन लग रहा है, एक बंध को जब कितने लग रहा है? एक बंध को जब 2 इलेक्ट्रॉन लग रहा है, एक बंध को कितने इलेक्ट्रॉन लग रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लग रहा है। तो 8 बंध को कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 8 × 2 = 16 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, लगेंगे तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए ना, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन न्यून संरचना कहते हैं। डाई बोरेन की प्रमुख संरचना को, डाई बोरेन की प्रमुख संरचना को 2 इलेक्ट्रॉन 3 केंद्रीय बोरान संरचना कहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन 3 केंद्रीय बोरान संरचना कहते हैं। अब आगे समझ में आया क्यों कहते हैं ना, क्या कहते हैं अपन इसको? डाई बोरेन की संरचना को दो इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 क्या होते हैं? 3 केंद्रीय बोरान संरचना, 3 केंद्रीय बोरान संरचना कहते हैं। अब देखो, उपयुक्त संरचना में 2 बोरान परमाणु हैं। उपयुक्त संरचना में 2 बोरान परमाणु हैं। उपयुक्त संरचना में 2 बोरान परमाणु है। दिख रहा है आपको 2 बोरान परमाणु? क्या है? 2 बोरान परमाणु है। उपयुक्त संरचना में क्या है? 2 बोरान परमाणु है, जिनमें से प्रत्येक 2 हाइड्रोजन परमाणु से सामान्य सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। दोनों बोरान परमाणु दिख रहे हैं यहां पर, दोनों बोरान परमाणु, ये पहला बोरान परमाणु हो गया, ये दूसरा बोरान परमाणु हो गया, दोनों बोरान परमाणु है ना, दोनों बोरान क्या? परमाणु। देखो, दोनों बोरान परमाणु, देखो
क्या हुआ कहां पे अपन, जिनमें से प्रत्येक, जिसमें दो दो बोरान परमाणु जिनमें से प्रत्येक दो हाइड्रोजन परमाणु से समान बंध द्वारा जुड़ा है। ये दोनों बोरान परमाणु में से ये वाला बोरान भी दो हाइड्रोजन के साथ, ये वाला बोरान भी दो हाइड्रोजन के साथ सामान्य से संयोजी बंध से जुड़ा हुआ है, जुड़ा है। ये वाला बोरान दोनों हाइड्रोजन के साथ सामान्य से संयोजी बंध से जुड़ा हुआ है, और ये वाला बोरान परमाणु भी दो हाइड्रोजन के साथ से संयोजी बंध से जुड़ा हुआ है, सामान्य से संयोजी बंध के साथ जुड़ा हुआ है। बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, पांच होता है, है ना। बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, पांच होता है। देखो जो बोरान होता है, बोरान भी इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, पांच होता है। क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p1। तो दूसरी कक्षा में दो और एक तीन इलेक्ट्रॉन है, मतलब बोरान के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जे हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन जे हो गया, और तीसरा इलेक्ट्रॉन जे हो गया। इस बोरान में भी एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और तीसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो बोरान के इस एक इलेक्ट्रॉन ने इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बना लिया और शेष संयोजी बंध बन गया। यहां पर भी क्या बन गया, शेष संयोजी बंध बन गया। यहां पर भी शेष संयोजी बंध बन गया और यहां पर भी क्या बन गया, शेष संयोजी बंध बन गया, बन गया शेष संयोजी बंध। चलो तो दो सामान्य शेष संयोजी क्या बन जाते हैं, बंध बन जाते है, है ना। सामान्य शेष संयोजी बंध द्वारा जुड़ा हुआ होता है। दो हाइड्रोजन, देखो दो हाइड्रोजन परमाणु बोरान परमाणु के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। दो हाइड्रोजन परमाणु, ये वाला हाइड्रोजन परमाणु और ये वाला हाइड्रोजन परमाणु, दो हाइड्रोजन परमाणु दोनों बोरान के मध्य सेतु, सेतु का मतलब होता है पुल, पुल पुल बनता है नदी के ऊपर, सेतु, सेतु का कार्य करते है। ये और ये क्या कर रहे हैं, सेतु का कार्य करते है। किसका काम करते है, सेतु का कार्य करते है, सेतु का कार्य करते है। कभी कभी पूछ लेता है कि बोरान की सेतु संरचना बताइए, है ना, कार्य करते है। बहुकेंद्रीय बंध कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, दोनों बहुकेंद्रीय बंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बहुकेंद्रीय बंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बहुकेंद्रीय बंध कहलाते हैं। अब क्यों कहलाते हैं, आगे समझ में आएगा। बहुकेंद्रीय बंध कहलाते हैं, कहलाते है ना। दो हाइड्रोजन परमाणु बोरान परमाणु के मध्य कहलाते हैं। डाइबोरेन की हाइड्रोजन सेतु संरचना के पक्ष में अब पर्याप्त साक्ष्य एकत्र है, इतना मत लिखना परीक्षा में, यहां से लिखना। इलेक्ट्रॉन विवर्तन, इतना यहां से इतना मत लिखना, है ना, मान्यता प्राप्त हुई है, यहां से लेके यहां तक आपको नहीं लिखना है, है ना, ठीक। अब इसके आगे देखो क्या होता है, यहां से चारों कोनों पर स्थित हाइड्रोजन, चारों कोनों पर स्थित हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, चारों कोनों पर स्थित हाइड्रोजन, चारों कोनों पर स्थित हाइड्रोजन, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, चारों कोनों पर स्थित क्या, हाइड्रोजन, है ना, और दोनों बोरान परमाणु एक तल में होते हैं, और ये दोनों बोरान परमाणु क्या होंगे, एक तल में होते हैं। जबकि मध्य के सेतु बनाने वाले हाइड्रोजन इस तल के ऊपर और नीचे लंबवत तल में होते हैं। ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु, देखो तल, तल समझना पड़ेगा, तल क्या होता है, क्या समझना पड़ेगा, तल क्या होता है। दोनों बोरान परमाणु और चारों हाइड्रोजन परमाणु एक ही तल में होंगे, एक ही कैसे होंगे, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब ये होता है यहां पर, और दोनों हाइड्रोजन परमाणु कैसे होते, इस तल के एक होगा ऊपर और एक कहां होगा, इस तल के नीचे होगा। इसको समझना पड़ेगा ना, इसको क्या करना पड़ेगा, बारीकी के साथ समझना पड़ेगा। देखो कुल मिलाकर के बाद यहां पर ऐसी है ना, उधर मत देखो, है ना, बात कैसी है देखो कि दो B2H6 से दो बोरान है, एक बोरान ये हो गया, ये हवा में रखा है। कल्पना करो कि यहां पर बोरान रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है यहां पर, बोरान रखा हुआ है, रखा हुआ है बोरान, और दूसरा बोरान ये रखा हुआ है, दूसरा बोरान आपका ये रखा हुआ है,
पहला बुरान ये हुआ और दूसरा बुरान आपका ये हो गया दो बुरान हो गया B2, ये तल बन गया, एक तल बन गया, हो गया बुरान और एक हाइड्रोजन ये हो गया, इससे शेष योजक बंध से जुड़ा हुआ है, और दूसरा हाइड्रोजन ये हो गया, इससे कहां जुड़ा है वो शेष योजक बंध से जुड़ा हुआ है। अब ये हो गया बुरान, एक हाइड्रोजन ये हो गया, इससे शेष योजक बंध से जुड़ा हुआ है, और एक हाइड्रोजन ये हो गया, इससे शेष योजक बंध से जुड़ा हुआ है। तो चार हाइड्रोजन और दो बुरान एक ही तल में है, और जो सेतु वाले हाइड्रोजन है ना वो इस तल के एक हो गया ऊपर और एक हाइड्रोजन हो गया नीचे, इस प्रकार से सेतु बनता है। क्लियर? इस प्रकार से क्या बनता है आपका? सेतु बनता है ना? क्या बनता है? सेतु बनता है। इस प्रकार से सेतु बनता है। अब देखो, इस प्रकार से आपका सेतु बनता है। यहां पर ये लिखा है, देखो ये चार हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन? चार हाइड्रोजन होगा, चार हाइड्रोजन, एक दो तीन चार, चारों हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन? चारों हाइड्रोजन, और दो पुरान एक ही तल में होते हैं, और सेतु बनाने वाले दोनों हाइड्रोजन कहां होते हैं? तल के एक होता है ऊपर और एक होता है तल के नीचे। एक तल के कहां होता है? ऊपर होता है, और एक तल के नीचे लंबवत होता है। क्लियर? और चारों कोनों के बी सिंगल बॉन्ड एच बंद समान शेष योजक बंद है। ये वाला बंद, ये वाला बंद, ये वाला बंद और ये वाला बंद, चारों बंद क्या है? समान शेष संयोजक बंद है। जबकि सेतु बी एच बी, ये जो सेतु बन रहा है, बी एच बी जो सेतु बन रहा है, जो क्या बन रहा है? सेतु बन रहा है बी एच बी में इलेक्ट्रॉन न्यूनता होती है, इनमें दो इलेक्ट्रॉन तीन परमाणु को जोड़ते हैं। देखो इस बोरान, देखो बोरान के भारी कोष में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन निश्चय बंध बना लिया, इस इलेक्ट्रॉन निश्चय बंध बना लिया, अब यहां पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, एक इलेक्ट्रॉन बचा, इस बोरान के पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, दो तो बंध बनाने में लग गए, इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन। यहां पर हाइड्रोजन और बोरान के बीच बंध बनेगा, फिर इसके बीच बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, है ना? या फिर इसके बीच ही बंध बनेगा, फिर से बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार इस बोरान, अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन है, अब अगर इसने इससे बंध बनाना, इससे बंध बनाना, फिर ये क्या करेगा? ये तो उड़ेगा ना फिर हवा में, है ना? बचा के नहीं, तो होता क्या है, कभी एक बार इसने इसके साथ बनाया, जब इसने इससे बंद बनाया, इसने इसको कंट्रोल करा, तो समय के लिए इसने इसको कंट्रोल कर लिया, इसने इससे बंद बना लिया, फिर जब इसने इससे बंद बनाया, तो समय के लिए इसने इससे क्या कर लिया? बंद बना लिया, इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए, जबकि यहां पर अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक ही है, न्यून हो गए ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में कमी आ गई, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होता है, डाई बोरेन, इसने एक बार इससे बंद बना लिया, तो कभी इससे बंद बना रहा है, है ना? इलेक्ट्रॉन क्या बढ़ गई यहां पर? कमी पड़ गई, पड़ गई कमी, मतलब कि दो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक दो तीन चार, इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं? चार है, इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास? चार है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? चार, और बंध कितने बने? और परमाणु कितने हैं? एक दो तीन चार, परमाणु कितने हैं? चार, मतलब कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन है ना, इसके दो इलेक्ट्रॉन, इसके दो इलेक्ट्रॉन, इसके दो इलेक्ट्रॉन, तीन परमाणु जोड़ते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, इन दोनों परमाणु को जोड़ेंगे, इसको इसको भी जोड़ेंगे और इसको इसको भी जोड़ेंगे, दो इलेक्ट्रॉन तीन परमाणु को जोड़ रहे, तो इलेक्ट्रॉन क्या पड़ जाते हैं? इसमें कम पड़ जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन कितने परमाणु जोड़ते हैं? तीन परमाणु को जोड़ते हैं। ये चित्र बनाना है, ये चित्र क्या करना है? बनाना है, आराम से बन जाएगा ना तुम्हारे दिमाग में, तुम अच्छे समझोगे, जब मैंने तुमको हाथ से समझाया था तो चित्र बन गया होगा, तुम ऑटोमेटिक बना भी लोगे उसको, है ना? यहाँ डबल बंद में सिंगल एक लाइन में सिंगल बंद खींचना है, ये सिंगल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड है, इमेज इसमें 3D दी है ना, शिवलाल किताब की एक आयत बहुत खराब लगी मेरे को, 3D इमेज डाल दिया इसने शिवलाल की बुक में ना, सिर्फ सिंगल बंद है, ये पूरा बनाना है, इन दोनों के बीच 100 डिग्री का कोण होता है, इन दोनों के बीच 97 डिग्री का कोण होता है, बोरान और बोरान के बीच की दूरी कितनी होती है? 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है, इन दोनों के बीच 122 इतने का बंद होता है ना।